घरों में कोई तो बात है, ये अच्छे क्यों लगते हैं दिल को इतने, बताएं। हाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ में जो गाना है ना, एक कैटरीना कैफ शाहरुख खान का, वो यहाँ पिक्चराइज हुआ था, काफ़ी पॉपुलर है, लोग आते हैं दूर दूर से, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दे आर मेकिंग वीडियो। हमारे लंदन के रिक्शे देख लें आप लोग म्यूजिक के साथ, लाइटों समेत, क्या जबरदस्त रिक्शा है ना हम लोग ना टूरिस्ट बन गए आप लोगों के लिए कसम से बता रही हूँ, सारे लोग ना वैसे देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है ये है पीच डबल ग्रीन, वाओ, सो मेनी फ्लेवर्स चाय में फल घुसा के अब यही रह गया था, ये भी कर लो तो अपनी उंगली की तरह दिखाती हूँ, ये वाला जो है ना ये लंदन पूरा ही आइकॉनिक है भाई, यहाँ भी क्या चीज है जो आइकॉनिक नहीं है। तो फ्राइज है, उसके बाद ग्रिल चिकन है एंड उनकी सॉसेज है, so this is how it looks। अरे उमर के दिल को ठा करके लग गई है, उमर ने कहा मेरा लंदन क्यों कैसे बोला, इस नहीं ये इसमें कुछ रखा नहीं है। हाँ भाई, तो ये जो है ये क्या है उमर, बताइए जल्दी से, कहाँ लेकर आए आप हमें आज? Somerset House है, Somerset House है ये, और जो पीछे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फाउंटेन्स के लिए बहुत मशहूर है, बहुत ब्यूटीफुल आइकॉनिक बिल्डिंग है, आप ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है इसका, लाइट्स ऑन हो गई हैं, और जो ये फवारे जो है ना, फवारे फाउंटेन, ये थोड़े छोटे हुए हैं लेकिन ये बहुत मशहूर हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं ना, वो यहाँ पे पिक्चराइज हुई हैं, जैसे कि एक फिल्म थी अभी अभी नहीं, कुछ अर्से पहले आई थी, जब तक है जहाँ, उसमें शाहरुख खान एंड कैटरीना कैफ जो है उनका एक गाना पिक्चराइज हुआ हुआ है, वो यहीं पर पिक्चराइज हुआ था, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे जो है वो लोग आए हुए हैं एंड दे आर क्लिकिंग फोटोग्राफ्स एंड मेकिंग वीडियो, सो इट्स अ वेरी आइकॉनिक प्लेस, बहुत ही सूदिंग है, यानी कि बहुत ही कामिंग, आप बस यहाँ पे टेबल और चेयर लगी हुई, आप बैठ जाए उसके ऊपर, एंड जो पानी की आवाज़ है ना वो बहुत सूदिंग है, और बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर भी हो रहा है, तो शाम का वक्त है एंड लाइट्स ऑन है, इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। It's getting darker. हाँ, it looks so beautiful ना, खास तौर पे because lights are coming, lights are showing more. भागना पड़ा पूरा बीच में ही हो गया बिल्कुल। Wow, this looks so stunning. मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी पीछे से ऊपर जा रहे हैं फवारे, कभी आगे से, तो ये देखें जी, ये देखें, कहिए ना मैं गीली हो जाऊं चक्कर में ओह ये देखें, अरे बाप रे, मेरे जूते गीले हो रहे हैं देख तूने कहाँ तक जा रहा है वो हाँ नहीं नहीं उमर नहीं उमर लगता है क्या मैंने ले लिया आपका, ले लिया है, लिया है मैंने, आप दोहराने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म का गाना वाओ दिस इज स्टनिंग, माशाल्लाह से इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो वीडियो में इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, बट सामने से ना इट लुक्स स्टनिंग, ये देखें, पता मेरे शूज गीले होना शुरू हो गए थे, वहाँ काफ़ी पानी था, काफ़ी ज़्यादा उमर उमर जो है वो बिल्कुल गीले हो गए, ये देखें उमर को देखना जरा, मैंने कहा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कपड़े सारे सब कुछ, मैंने कहा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मैंने कहा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों एंजॉय कर रहे हैं, क्यों एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि सर्दी का मौसम है, हां लेकिन बहुत अच्छा, नहीं सर्दी सर्दी नहीं अभी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सारे अब क्या करें, वो लोग अंदर से जाके ना भागते हुए वीडियोस बना रहे हैं, हमर ये दिल को इतने अच्छे क्यों लगते हैं बताएं, ये फवारे जल्दी से बताएं, पता नहीं लेकिन ये हो सकता है कि वो एक खास प्लान से पानी आता है, हमने हमेशा पानी नीचे गिरते हुए देखा है, शायद झरने की तरह आता है इस तरह से, और म्यूजिक होता है, मेरी म्यूजिक कहाँ है, चलाए मेरे लिए म्यूजिक, ये म्यूजिक नहीं है, पानी गिर रहा है और आवाज़ आ रही है एक रिदम में, ओए ओए ओए, इतना डीप, इतना डीप, इतनी डीप लॉजिक, क्या बात है, डीप लॉजिक, अभी आप यही तो कह रही हैं, कितना सूदिंग है, यही सूदिंग है ये, हाँ
उमर ये सब क्या है भाई, सुराइयाँ क्यों लगाई हुई आपने? स्कल्पचर्स हैं लेकिन मुझे तो सुराइयाँ लग रही लेकिन मकसद नहीं समझ आ रहा मुझे तो। कुछ हमारे मटके नहीं होते, हमारा मटका और सुराई नहीं होती हमारे मटकों और सुराइयों को जो मिला के कोई चीज बनाई जा सकती है ना, वो ये है, वो है ये। ठीक है, बस सही है, फाइन है। आई डिडंट लाइक दैट मच है ना। उमर आप गीले कितने हुए हैं, ये क्या किया है आपने, आप अच्छी बन गए आपने कहा मैं जो हूँ ना फाउंटेन पे मैं जाके मैं एंजॉय करूंगा, मैं अच्छे से घूमूंगा उसके अंदर, लेकिन असल में अचानक ही जो पानी है ना फाउंटेन का अचानक निकला ना, या नहीं आप जान के आपने देखा था? जब देखा तो मैंने कहा चलो इसमें से गुजर के देखते हैं, मजा आएगा। और फिर हमने ये करा, अब हम गीले कपड़ों में लंदन में घूमेंगे। बात नहीं, लंदन की गलियों में मौसम अच्छा है, सर्दी नहीं है। हाँ, ये तो वैसे है, बहुत बहुत अच्छा वेदर है, तो ना टेंशन नहीं होनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। बिल्कुल, तो चले फिर आप बताएं क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? चलते हैं कहीं स्पेशल और जगह पर, तीन चार जगह है उनमें से आप एक चूज कर लें, मैं बता देता हूं। चले साइकिल आ रही से पहले कि मुझे कोई मार मुड़े, साइकिल गुजर साइड में टेलीफोन बूथ आइकॉन। अब इसे कौन यूज करता होगा उमर, अब कोई आपको लगता है कोई यूज करता होगा? जाहिर सी बात है ये अंदर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अबैंडनड है, तो अ लॉट ऑफ क्रैम्प और जो लोग वो नहीं होते जो रात में होते हैं। अच्छा, जर्म्स होंगे ना बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर क्या है बेसिकली ये है फोन, लेकिन ये चल रहा है, कोई यूज कर सकता है अगर किसी को जरूरत पड़ी हो तो। आई डोंट नो बट जस्ट टेक द पिक्चर फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा ठीक है, हाँ इट लुक्स डर्टी, इट लुक्स वेरी डर्टी। हाँ, और ये एक जगह नहीं, अक्रॉस लंदन है। ये तो चर्च लग रहा है ना, ये तो चर्च लग रहा है सामने, आवाज भी आ रही थी घंटों घंटों की ना जब हम लोग आए थे ना। टाइम दिखा रहा है क्लॉक ना? हाँ, दिख ही ना जाए मुझे वो क्या दिख रहा है, मेरे ग्लासेस नहीं। अच्छा 7:20 है, ठीक है। बताऊँ कसम से हम लोग ना टूरिस्ट बन गए आप लोगों के लिए कसम से बता रही हूँ, सारे लोग ना वैसे देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है और लोग जो है ना वो कहते हैं बस बिल्कुल सारा वाला सब छोड़ दो, बस बनाओ हमारी YouTube फैमिली के लिए, बनाओ और डालो, उनको जगहें दिखाओ अच्छी अच्छी, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं हम लोग टूरिस्ट हैं, हम लोग टूरिस्ट हैं जब इतना कैमरा ले लेके ना पकड़ के आगे पीछे भाग रहे हैं। अच्छा ये देखिए एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे जो है ना उन्होंने ऐसे लाइट्स लगाई हुई हैं, और ये जो है ना कलर चेंज कर रही है मुसलसल, तो क्यों किया है उन्होंने ऐसा यहाँ पर ये मुझे नहीं पता, बट इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स कलर एंड या इन्हीं को पता होगा उन्होंने क्यों किया है ऐसा। मुझे कौन सा ब्रिज है? वाटरलू ब्रिज। पता है क्या, मुझे तो सारे ब्रिज ही कैसे लगते हैं पता नहीं क्यों, पीपल। अब बोट जा रही है क्योंकि मेरे ऑफिस की तरफ से भी ऐसी है ना उमर। हाँ तो ये पूरा वही जा रहा है, तो मुझे वहाँ से, वो तो मेरा बिल्कुल ऐसा है हर वक्त का है ना कि आप हर वक्त जो है उसमें घुसते, मतलब बस, तो वहाँ से भी बोट दिखती हैं। वो क्या नजर आ रहा है बीच में, शार्ड है वो? हाँ, वो हाँ, राइट। लेकिन कितना अच्छा है ना, आप रात में जो है यहाँ पर वॉक करें, कितना ब्यूटीफुल है लाइक वेदर एंड एनवायरनमेंट, एंड बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। कहाँ पर और देखिए सामने लंदन आए है ना, ये सामने लंदन आए हैं। बिग बैन किधर है, किधर गया? अरे हाँ हाँ देखो जरा, मैं तो दिमाग मतलब मैं कोशिश करती हूँ उसको बड़ा करूँ, ये देखें जी बस आ गई, तो बिग बैन है और जी आपका लंदन आए भी है सामने। लंदन का बिग स्क्रीन बिगेस्ट सिनेमा है। हाँ मैंने भी सुना इसके बारे में, बहुत बड़ा लोग यहाँ आते हैं तो खासतौर पर जो वाली फिल्म देखने आते हैं एक्शन लाइक स्पाइडरमैन एवेंजर्स। अच्छा सही,
सही सही। और सर टिकट भी फिर महंगा होगा ना। लंदन में आओ, लंदन महंगा है, लंदन कहता है पैसा देने का, मुझे पैसा फेंकोगे मैं दूंगा तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख लंदन। ये देखें इट इज़ स्टनिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। और यानी कि पता है क्या सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगा कि बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा कि आप सुकून से जो है ना, मतलब लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं बहुत अच्छे से एंड दे आर जस्ट इन्जॉइंग देमसेल्व्स। और बहुत अच्छी सी ब्रीज आ रही है और आमने सामने जो है वो सारे आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं, जैसे लंदन आई हो गया, बिग बैन हो गया, यहाँ पे सामने शार्ड है, सब कुछ दिख रहा है। हम लोग कई दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं तो लेकिन हमने कहा चलें आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पर जो वाटरलू ब्रिज है वो कैसा है। तो इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल है ना अमर, आप इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आपको सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी तो नहीं लग रही आपको? नहीं सर्दी नहीं लग रही, लेट मी टेक द हुडी ऑफ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, फसल बसल है। हाँ ये देखे ना, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट। और मौसम भी ना ठंडा है ना गर्म है। हाँ मौसम आफरीन, मौसम है आफरीन 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 हो रहा है। वो सेंट पॉल कैथेड्रल किधर, वो जो गुंबद नजर आ रहा है, अच्छा पीछे की तरह मेहराब नजर आ रहा है। और जो पीछे की जितनी सारी बिल्डिंगें लगी है ना उस पर एक बिल्डिंग को ऊपर कह रहे हैं वो नहीं, नहीं, नहीं वो है, अच्छा हाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला एक बिल्कुल। देखिए मैं आपको अपनी उंगली की तरह दिखाती हूँ, ये वाला जो है ना ये लंदन पूरा ही आइकॉनिक है भाई, यहाँ भी क्या चीज है जो आइकॉनिक नहीं है, हर चीज आइकॉनिक बना के कहीं ना कहीं इसमें वो है क्या कहते हैं हिस्ट्री है। हाँ हिस्ट्री मौजूद है, दुनिया पागल है अभी, दुनिया कहती है लंदन जाना है लंदन जाना लंदन। मैं कहती हूँ गुजरी रखा हो, गुजरी रखा हो, इतना मशहूर शहर को अभी कुछ नहीं है दुनिया का, नहीं नहीं है बहुत ही मशहूर शहर है। अरे उमर के दिल को ठा करके लग गई है, उमर ने कहा मेरा लंदन क्यों कैसे बोला, इस नहीं ये इसमें कुछ रखा नहीं है, नहीं है भाई है सब है बहुत अच्छा। तभी दुनिया आती है, दुनिया कहती है लंदन नहीं बिकया, लंदन जिसने नहीं देखा उसने क्या देखा, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो हम कहते हैं लंदन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन ठीक है यार, हमें तो अपना ही कंट्री मतलब क्या कहने याद आता है, तो चले कोई नहीं ये भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखें एक पिंक पिंकिश सा जो है ना, एक है ना उमर आपको दिख रहा है इधर आए, ये देखें आसमान में जो है ये पिंकिश सा दिख रहा है आपको, कुछ पर्पल सा, ये उसकी लाइट है, उसकी वजह से हो रहा है। टॉप लाइट है शायद। आ, तो देखिए ये जो बिल्डिंग है ना मैं आपको दिखाऊं उंगली से क्योंकि मैं ऐसे ही पॉइंट आउट कर सकती हूँ। तो देखिए ये जो बीच में ना, एक तो दो बिल्डिंग्स हैं ठीक है, इसके बीच में जो बिल्डिंग है वो शार्ड है, मैंने बताया था ना, मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने एक व्लॉग में ना, जो मैंने ऑफिस का व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जो शार्ड है ये बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है, यहाँ पे बड़ी 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 यानी कि सही मानो जो बिजनेस मीटिंग्स हैं वहाँ होती हैं, आफ्टरनून टीज के लिए लोग बुक कराते हैं, सब मतलब बहुत एक्सपेंसिव पॉश बिल्डिंग है ठीक है। तो उसके आपको उसमें वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन जो टॉप है ना वो पूरा लिट अप हुआ हुआ है पर्पल, डार्क पर्पल कलर से ठीक है, उसकी वजह से उसके ऊपर जो आसमान का टुकड़ा है ना एक, वो पूरा पर्पल शेड में हुआ हुआ है, तो इट इज़ सो प्रिटी। अच्छा मैं पहले समझी कि पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है आसमानों में, पता नहीं कौन सी कहानियाँ हो रही हैं लेकिन उमर ने मुझे सही कर दिया, मैंने कहा भाई ये शार्ट की लाइट है मैंने कहा अल्लाह पता नहीं क्या देखने को क्या हो रहा है ऊपर, मुझे कुछ समझ आ रहा है क्या क्या पता, मैं बहुत कोई लकी हो गई हूँ खुशकिस्मत कि मुझे कुछ ख़ास देखने को नसीब हो रहा है, आसमानों से शुआएँ लाइटें दिख रही हैं मुझे ख़ास, ऐसा कुछ भी नहीं है ये शार्ट की लाइट है जो ऊपर जा रही है, तो ये है बट इट्स ब्यूटिफुल। सामने देख रहे हैं जो हमारे लंदन के रिक्शे देख लें आप लोग म्यूजिक के साथ लाइटों समेत, क्या जबरदस्त रिक्शा है ना मजा ही अलग है इस रिक्शे में बैठने का। क्या हो गया किसको किसको मसले चढ़ाए, इंटरेस्टिंग है ना कितनी सारी ये सारी टीज हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये फ्रूट फ्रूट टीज बोलेंगे ना इनको, ये सारी फ्रूटी टीज है ना।
देखिए मैंगो रॉयल थी, वाओ, मतलब एक चाय बची थी उसे भी फल उसे भी फल गुजार दिया चाय को भी नहीं बख्शा भाइयों, चाय को भी नहीं बख्शा। अच्छा माचा, हाँ नो माचा, इज इट माचा, माचा लाटे, ये तो खैर बहुत पॉपुलर है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंड दिस इज मलबेरी मिल्क टी, हाँ वही जैसे मैंने कहा ना कि चाय को भी नहीं छोड़ा, सब टी के अंदर सारी सारी सारे डाल दो बस। हाँ ये है पीच डबल ग्रीन, वाओ सो मेनी फ्लेवर्स, चाय में फल घुसा के अब यही रह गया था, ये भी कर लो। ओह वाओ उमर थैंक यू सो मच भाई, सबका जो मूड है ना वो था कि सबको फ्राइज़ खानी थी, एंड मुझे जो है वो मुझे नैंडोज जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोडेड फ्राइज़ निकाले, तो फ्राइज़ हैं उसके बाद ग्रिल चिकन है एंड उनकी सॉसेज हैं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड मैंने कहा चलो भाई मैं तो ये खाऊंगी, एंड या आई एम गोना ट्राई दिस, मज़े का होगा। और साथ में जो है मैंने हलूमी स्टिक्स भी ली, मुझे हलूमी मुझे बहुत पसंद है इनकी। ओह दे गेव मी टू चिली जैम्स, इट वाज ऑलरेडी इन देयर, हलूमी स्टिक्स, तो ये बहुत मज़े की होती हैं, ग्रिल्ड हलूमी है एंड दीज फ्राइज। सो नैंडोज का चलें भाई उमर आ जाएं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाते हैं हम इसको, चलें भाई बिस्मिल्लाह। उमर कैसी है इनकी पैरी पैरी, सॉरी इनके लोडेड फ्राइज, इनके लोडेड फ्राइज बहुत अच्छे हैं और स्पाइसी हैं। स्पाइसी, अच्छा पता है मैं उसने मुझसे पूछा कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए, मैंने कहा बहन जो सबसे ऊपर वाला जितना सबसे टॉप पे स्पाइसी है ना तुम्हारा वो डाल दो बस, उसको बिल्कुल स्पाइसी बना दो टॉप पे, हंस रही थी। ओह माय गॉड, हाँ सही की स्पाइसी है, ओह गॉड इनके इनके चिप्स तो अच्छे होते ही हैं ना, बेस्ट चिप्स हैं इनके, अब जैसे कहते हैं ना सही के चिप्स खाना ये बेस्ट है, और मैकडॉनल्ड के भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे और कुछ इतना पसंद नहीं है मैकडॉनल्ड का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ना सही से मास्टरी करी हुई है चिप्स में, उन्होंने भी सही से ना मास्टरी करी हुई है चिप्स में। सबसे गंदे किसके होते हैं उमर, सबसे गंदे किसके होते हैं बताएं, तौबा पैसे भी दे दो ना खाऊं। मज़े के हैं, स्पाइसी हैं, सबसे अच्छे चिप्स ना नैंडोज के होते हैं, और जब से इन्होंने लोडेड फ्राइज निकाले हैं तो उसमें क्या है कि लेयर है चिप्स की और फिर उसके ऊपर जो है आपकी ग्रिल चिकन है, सॉसेज हैं और क्या कहते हैं ग्रीन अनियन है, तो बहुत मज़ेदार से लोडेड फ्राइज जैसे होते हैं चीज़ के साथ थोड़ा सा, या फिर मैकडॉनल्ड की भी जो फ्राइज है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बुरे फ्राइज ना उसके होते हैं केएफसी के, इतने मरे हुए जैसे कहते हैं ना मरा हुआ बिल्कुल मर गिल्ले आलू हमें जब भी फ्राइज का होता है ना कि हाँ भाई खाने हैं आलू आलू तो हम आते हैं नैंडोज, क्यों भाई उमर है ना, बिल्कुल सही है, और जितनी देर में आप बात कर रही हैं उतनी देर में मैं चार दफा खा चुका हूं, प्लीज इसको भी शेयर करें। जबरदस्त, ये वो जंक फूड है, खाते पे खुशी होती है, खाते पे बहुत खुशी होती है और खाने के बाद ना बहुत बड़ी गिल्ट तो खाने के बाद आपको इतनी गिल्ट होने वाली है ना कि ओए होए आलू ही आलू नशास्ता स्टार्च सो गुड। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कभी कभी खाएं सही बात है, हम लोग रोज नहीं खाते, हम लोग कभी कभी जब बहुत कभी मूड होता है और शेयरिंग, जैसे आपने देखा ना बगैर ये काफी बड़ा पोर्शन था जैसे दो लोगों के लिए शेयरिंग का था तो परफेक्ट है, हम लोग खाना खा के निकले में जाहिर सी बात है तो इतना कोई मूड भी नहीं था, तो बस ये ऐसा है कि निकले हैं ड्राइव करा थोड़ा सा घूमे फिरे थोड़ी सी मंचिंग होती है ना आपने वो कर ली एंड देन यू आर गुड, और साथ में हलूमी स्टिक्स इनकी बहुत मजे की होती है वो मेरी फेवरेट है, तो ये है। तो भाई आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, आप लोगों को छोटी छोटी जगहें जो हैं वो हम जाते हैं दिखा रहे हैं जो भी आइकॉनिक जगहें मशहूर जगहें, और बस यही कोशिश है कि आपको घुमाएं फिराएं अपने साथ लेके जाएं, इसी बहाने हम भी घूम लेते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम जा रहे हैं, मैं खत्म इससे पहले उम्र सारा खत्म कर लूं, उम्र ना बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी रुक जाए
उमर ने ठंडा हो रहा है, खराब हो जाएगा। हाँ ये बहुत अच्छा आपका चल रहा है, ठंडा हो जाएगा, रुके मैं आ रही हूँ। इससे पहले उमर सारे चिप्स खा जाए, मैं जाती हूँ और अपना हिस्सा खाती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। हम इंशाल्लाह आपको फिर किसी और नई जगह पर लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से एंड उमर की तरफ से। अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइस, बाय बाय।